अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान होने वाले पहले वनडे मैच के बारे में। आप दोस्तों को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान ये पहला वनडे मैच कब और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कितने बजे शुरू होगा, इसकी डेट और टाइम टेबल क्या रहने वाली है, और आप किस तरह अपने मोबाइल पर यह मैच लाइव देख सकेंगे, और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कौन सा मुमकिन 11 रुकन स्क्वाड मैदान में उतरेगा। आइए ये सब कुछ हम आपको आज के इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ आगाह करते हैं। वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले नीचे सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ ही बिल के आइकन को दबा दें ताकि आप दोस्तों को पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की सीरीज़ के मुकम्मल लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले मिलती रहे। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो आप दोस्तों ने सबसे पहले इस वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, मैंने वहाँ पर एक एप्लीकेशन का लिंक दिया, जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपकी स्क्रीन पर यह पहला वनडे मैच लाइव चल जाएगा। अब इसके बाद हम अगर हम पहले वनडे मैच की डेट और टाइम टेबल की बात करें, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला वनडे मैच 2 अप्रैल 2021 को खेला जाएगा। ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन के 1 बजे शुरू होगा। दोस्तों इसके बाद अगर हम पहले वनडे मैच के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मुमकिन 11 खिलाड़ियों की बात करें, ओपनर बल्लेबाजों की बात की जाए तो पहले नंबर पर फखर जमान का नाम आता है और इसका साथ देने के लिए दूसरे नंबर पर ओपनिंग करेंगे इमामुल हक। इसके बाद अगर हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों की बात करें तो तीसरे नंबर पर कैप्टन बाबर आजम का नाम आता है, चौथे नंबर की बात करें तो हैदर अली और पाँचवें नंबर पर विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान का नाम आता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर की बात करें तो छठे नंबर पर फहीम अशरफ को रखा गया है। पहले वनडे मैच के लिए अगर हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के स्पिनर की बात करें तो सातवें नंबर पर मोहम्मद नवाज और आठवें नंबर पर शदाब खान का नाम आता है। ये दोनों अच्छे स्पिनर बॉलिंग के साथ साथ ज़बरदस्त बैटिंग भी कर लेते हैं, मोहम्मद नवाज और शदाब खान। इसके बाद अगर हम पहले वनडे मैच के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलरों की बात करें तो नौवें नंबर पर हसन अली का नाम आता है, जिसकी काफ़ी अर्से बाद दोबारा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में वापसी हुई है। इसके बाद अगर हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के दसवें नंबर की बात करें तो फास्ट बॉलर शहनशाह अफरीदी का नाम आता है। 11वें नंबर की बात करें तो हारिस रऊफ। दोस्तों ये थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पहले वनडे मैच के लिए मुमकिन 11 खिलाड़ी। ये कन्फर्म नहीं है, हो सकता है इनमें से एक या दो खिलाड़ियों की भी चेंजिंग की जाए। दोस्तों आपको क्या लगता है ये पहला वनडे मैच कौन सी टीम जीतेगी, पाकिस्तान या जनूबी अफ्रीका? नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से आगाह जरूर करें। शुक्रिया।